असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिल्लाहि रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्स ईमान में रखे आमीन और जो भी घर में परेशान है रिस्क नहीं है पैसे नहीं है फाका कशी है तो ख़ास अल्लाह का जो अमल है वो आप करें अगर आपके घर में रिस्क ना आए तो अपनी इस बहन से ज़रूर एक दफ़ा बात कीजिएगा सिर्फ उसके अमल की खातिर पे कि ये अमल क्यों कामयाब नहीं हुआ आप एक दफ़ा करके तो देखें इन अल्लाह के हुक्म से तमाम अमलियात जो मेरी हैं मैंने आमिल आप लोगों को बनाने के लिए बताई हैं इन शाक आपको आमिल भी बनाएगा और एक अच्छा आमिल जो अमल करने वाला होता है आमिल सच्चा और मुत्तकी होता है तकवा और परहेजगार होता है तो अल्लाह का वली है ठीक है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको आमिल अपने मुश्किलों को परेशानी को ख़ुद ख़त्म करने के लिए ठीक है और आज एक ख़ास अमल अंडे का अमल अंडे का अमल कभी किसी ने नहीं किया जादू की वजह से अगर जादू खत्म करना हो खास अंडे का इस्तेमाल किया जाता है आज उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगी बहुत ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास घर रिस्क दौलत पैसा कुछ भी तो नहीं है तो ये अमल ही एक दफ़ा करके देख लें आजमा के देख लें तो आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमल करने का तरीका गौर से समझ लें लेकिन सबसे पहले अहदीस से शुरू करते हैं नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सच्चाई को अपने पर लाजिम कर लो और हमेशा सच बोलो क्योंकि सच बोलना नेकी की राह पर लाता है यानी हमेशा आप अगर सच बोलेंगे तो जन्नत के फासले में जो नेकी की राह है ना ठीक है वो जल्दी और आसान आपके लिए हो जाएगी हमेशा सच बोला करें अमलियात शुरू करने से पहले आप दरोशी जरूर पढ़ लें एक ख़ास दुआ आप मांगें वीडियो देखें और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी जो भी इस वीडियो को देखता है मैं आपकी बहन होने के नाते अपना अगर आप नाम भी लिखवा देंगे तो तमाम मदारस में दे दिया जाएगा आखिर क्या मत तक आपके लिए दुआ खैर कर दी जाती रहेगी जब तक मदारस कायम रहेंगे अंडे का खास अमल जादू को ख़त्म करने के लिए लफ्स कन अलकसारा फयाकन इसको एक अंडा ये अंडे की शेप दी गई है ये शकल दी गई है इसी तरह अंडे के ऊपर आपने लिखना है ऊपर सात सौ छियासी लिखना है फिर कन ठीक है कन अलकोसारा फयाकन इसी तरह आप लिखेंगे ठीक है अब आप इसको गौर से समझें दिन कोई सा भी हो वक्त कोई सा भी हो द्रोदे पाक तीन बार हो कन अल को सरफ है या कुन को तीन बार आपने पढ़ना है याद रखें ये अमल दस्ते ग़ैब का एक जो रिज़् हासिल करने का अमल है वो समझाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ भी नहीं गुजरता घर दौलत पैसा गाड़ी माल अल्लाह के करम से आपको फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दौलत चाहे पहाड़ के बराबर भी क्यों ना हो आपको मिल जाती है लेकिन अंडे का ये ख़ास अमल आप ज़रूर करें अंडे का अमल आपने जादू के लिए अगर करना है और अगर बद के लिए करना है तो तब भी अमल किया जा सकता है लेकिन उसमें आप ये अल्फाज नहीं रखेंगे ठीक है ये अल्फाज नहीं लिखेंगे अब जब फ़र्ज़ करें आपके घर पर जादू है गाड़ी पर जादू है दौलत पर जादू है कारोबार पर जादू है दुकान पर जादू है किसी भी किस्म का जादू सफलीलम आपके ऊपर है बंदिश है नज़रबंद है तो आपने क्या करना है दुकान में इन तीन लफ्ज़ों को लिख कर ठीक है अंडे के ऊपर तो दुकान में कहीं पर भी छुपा दें याद रखें कि इक्कीस दिन से पहले अंडा ना टूटे 21 दिन से पहले अंडा ना टूटे लोगों की नज़रों से दूर अंधेरे में अपनी दुकान शॉप या घर में रखें आपके घर में रिस्क भी आएगा और दस्ते गैब का मैं आपको इलम बता रही हूँ ठीक है तो अंडा रखने से आपके घर में जितना भी जादू सफलीरम होगा इस अल्लाह के कलाम की बदौलत और अंडे की क्योंकि अंडे में एक ज़िंदगी है याद रखें ये कोई आम चीज़ नहीं होती अंडे में एक पूरी ज़िंदगी है आप ख़ुद भी हिसाब लगा सकते हैं अंडे से देखें एक मुर्गी अल्लाह पाक जो है एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर वो मुर्गी की शक्ल में आता है फिर ये देखें इसमें एक ज़िंदगी है ठीक है तो ये इंसान के लिए अल्लाह पाक की नियमते हैं तो फिर आपने इसको घर में किसी भी कोने में रख देना है अब आपने क्या करना है कि अगर ये अमल आप अपने घर में जादू वगैरह या कारोबार में जादू वगैरह ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तब तो ये जो सा अंडा है अपने घर में किसी भी कोने में रख लें इसी तरह लिख कर ठीक है तीन बार पढ़ना है और अंडे पर दम भी करना है तीन बार पढ़ना है और अंडे पर दम भी करना है दम करने के बाद अंडे को चुप छुपा कर किसी भी ऐसी जगह पर रख दें अब घर में आपने जिस जगह भी रखना है वहाँ पर बच्चे ना पहुँच सकें घर में बड़े कोई भी उस अंडे को देख ना सके ठीक है नंबर दो दस्ते गायब का ख़ास अमल अब मैं आपको समझाती हूँ कि रिस्क दौलत पैसा गाड़ी ये सब चीज़ें अंडे की वजह से कैसे आती हैं अब आपने क्या करना है एक अंडा लेना है अब आपने कन अलक फयाकुन पढ़ना है और तीन बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद दुआ करनी है किस चीज़ की ज़रूरत है कोई हाजत तो नहीं घर गाड़ी दौलत पैसा रिस्क माल आपको इनमें से क्या चाहिए आप घर में फाका कशी में हैं तब भी आप दुआ कर सकते हैं कि यह अल्लाह पाक हमें रिस्क था फरमा दे लेकिन तीन मरतबा इन लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद ही दुआ कीजिएगा गलत ना कीजिएगा ठीक है ये अमलियात है और मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों को समझा रही होती हूँ ठीक है अगर समझ नहीं आई दोबारा दस हज़ार मरतबा भी पूछें आपको समझाया जाएगा लेकिन गलत नहीं करना आपने ठीक है तीन मरतबा ये पढ़ना है और उसके बाद आपने आपने अल्लाह बाग से दुआ करनी है दुआ करने के बाद सदा अंडा लेना उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो सादा अंडा लेना उस पर कुछ भी ना लिखा हो सात मरतबा आपने अपने सर के ऊपर से वारना है वारने का मतलब ये होता है कि सात मरतबा अपने सर से घुमा करना ठीक है अंडे को चुराहा चुराहा होता है चार गलियों का सेंटर चार गलियों का दरमियान का हिस्सा आपने कुछ भी हो रात हो दिन हो जब लोग आते जाते ना हो वो अंडा जो आपने सात मरतबा अपने सर से वारा था दुआ करके कि आपको घर चाहिए तो घर जब चाहिए ना अंडे को आपने ना चुराहे पर तोड़ना कहीं गली में किसी भी जगह नहीं तोड़ना याद रखें अंडा नहीं टूटे एक बात याद रखें अमलियात में अगर अंडा टूट गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अमल का दोबारा से शुरू करना पड़ेगा तीन मरतबा इसको पढ़ना है अंडे को सात मरतबा अपने सर पर वारना है वारने के बाद आपने चुराहे पर जाना है चुराहा चार गलिए चार गलिए चार स्ट्रीट चार हैं एक गली दो गली तीन गली चार गली हर गलियों में चुराहा ज़रूर होता है हर घर के आसपास चुराहा होता है उस चुराहे के सेंटर में इस जगह इस जगह आपने अंडे को तोड़ना है याद रखें ना गली में तोड़ना है ना इस तरह किसी जगह नहीं तोड़ना सिर्फ़ इस चार गलियों के दरमियान ठीक है अंडे को तोड़ना है अगर फ़र्ज़ करें कि आपको चुराहे की समझ नहीं आती फिर आपने क्या करना है दरख्त आप घर के आसपास कहीं दरख्त है उसके नीचे जाकर तोड़ दें फिर जब आप अंडा तोड़ दें ठीक है एक दफ़ा अपने दिल में ख्वाहिश करें कि जब अंडा तोड़ने लगे ना आपको चाहिए क्या घर चाहिए गाड़ी चाहिए दौलत चाहिए मांगे अल्लाह पाक से क्या मांगते हैं अल्लाह पाक से दुआ करें या अल्लाह पाक मुझे घर दे दे अंडा तोड़ दें या अल्लाह पाक मुझे गाड़ी दे दे एक वक्त में एक अंडा तोड़ने के लिए एक ही दुआ मांगी जाएगी ये अमल एक हफ्ते में एक ही बार किया जाएगा हफ्ते में तीन दिन अमल चार दिन अमल रोज़ रोज़ अमल नहीं करना अगर हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर की गाड़ी की खुशखबरी आपको मिल जाती है दौलत पैसा माल की खुशखबरी मिल जाती है यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक घर बैठे बिठाए जो उनसे रिस्क दे दे फरिश्ते हमारे लिए रिस्क लेकर आए तो आप यकीन माने अंडा तोड़ते वक्त यही दुआ कर लें आपकी दुआ कबूल हो जाएगी चुराहा चुराहे पर ही अंडे को तोड़ना है मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि अमलियात है गलत ना कीजिएगा अब आपने दुआ करनी है कि आपकी दुकान पर रश नहीं है आपने जॉब पर जाना है ना जॉब लेनी है आपने किसी से वो मान नहीं रहा जो ऑफिस ऑफिसर है जो मालिक है वो जॉब के लिए मान नहीं रहा तो फिर आपने ये अंडा चुराहे में तोड़ना है अब इस अंडे का जो अमल है ना इसको हम किन किन अमल में इस्तेमाल कर सकते हैं रिश्तों की बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी दुआ आपके दिल में जो होगी ना वो यहाँ पर चुराहे पर ला जब तोड़ेंगे तभी कबूल होगी दरख्त एक ऑप्शन है कि अगर आपको नहीं मिलता लेकिन चुराहा ऑप्शन ही डन है ठीक है चुराहे पर तोड़ना है अब आपके घर में नाचाकी है रिश्तों में प्रॉब्लम है किसी अपने प्यारे को पाना है कहीं पसंद की शादी करनी है उसके लिए भी यही अमल एक ही काफ़ी है आपको यही अमल काफ़ी है एक आपने यही अमल करना है मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ ये अमल कोई आपको नहीं बताएगा ये अमल ख़ास अमलियात मेरे अपने बड़ों से मुझे मिला है ख़ास अमलियात है ख़ास अमल है ये आम अमल नहीं है यह आपको कोई भी नहीं किसी भी चैनल पर चले जाएं आपको इस तरह की ना वीडियो मिलेंगी और ना ही आपको ऐसे अमल मिलेंगे याद रखें लेकिन अमल को तरतीब से करें ख़राब नहीं कीजिएगा प्यारे बहन भाइयों अमल बहुत खूबसूरत है एक दफ़ा ज़रूर करें अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करें पर चुराहे पर अंडे को तोड़ना है याद रखें जो तोड़ने वाला अंडा है ना उसके ऊपर अल्लाह के नाम जो कलाम है वो ना लिखा हो ठीक है अगर आपने घर दुकान शॉप या किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपको रिस्क दौलत पैसा चाहिए फिर उसको रखें घर में तोड़ना नहीं इसको टूटने नहीं देना कम से कम इक्कीस दिन अल्लाह के कलाम का अंडा ना टूटे चुराहे वाला तो आप ज़ाहिर है उसी दिन सर से वार कर तोड़ देंगे मेरा मज़ीद इतनी समझाने का वीडियो यही होता है कि मेरे प्यारे बहन भाइयों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए खुद के खुद आमिल बने मेरी बहनें भी आमिल बन सकती हैं और भाई भी अगर हम का कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपनी बहन से रबता कर सकते हैं जजाक अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते, चाहते, चाहते हैं।, हैं तो हमारे तो फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं।, हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं जैसा कला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्ख़ारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला